एक खूबसूरत शाम के समय नवीना नागिन नागलोक के सुंदर बगीचे के पास वाले झरने के किनारे बैठी जल में अपना सुंदर रूप निहार रही होती है। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ झुर्रियां नजर आती है और वो अपने चेहरे पर हाथ लगाए बोलती है, ये मेरे रूप को क्या हो रहा है? मेरा चेहरा इतना बेजान कैसे हो सकता है? मेरी त्वचा कैसे मुरझा रही है? इस चेहरे के साथ अगर किसी ने मुझे देख लिया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ? अपने चेहरे पर बुढ़ापे में आने वाली झुर्रियों को देखकर वो इतनी हैरान हो जाती है कि हड़बड़ाहट में नागलोक से पृथ्वी लोक पर एक सुनसान सी सड़क पर आकर बोलती है, लगता है नागराज के दिए हुए श्राप का असर मुझ पर होने लगा है, किंतु मैं अपनी आंखों के सामने अपने रूप की ऐसे दुर्दशा होते हुए नहीं देख सकती। मुझे अपने रूप को वापस पहले जैसा बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर वो अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की फोन पर बात करते हुए दिखाई देती है। नवीना उस लड़की को अपनी शक्तियों से बेहोश कर देती है और उसके हाथ को अपने नाखूनों से घायल करके उसका खून पीने लगती है। खून पीते ही उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती है और उसके बाद उस लड़की को दूर जाकर वो अपनी शक्तियों में होश में ले आती है, जिसके बाद वो वापस नागलोक में अपने घर आ जाती है और आते ही अपनी माँ से पूछती है, माँ माँ गौर से देखो ना मेरे रूप को, मैं कहीं से बुढ़ी सी तो नहीं नजर आ रही सही से? हाँ, तुम अचानक से ये प्रश्न क्यों कर रही हो पुत्री? क्या तुम पर श्राप का असर होने लगा है? हाँ वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने माँ को सब कुछ बता दिया तो वो तो पूरे नागलोक में ये बात फैला देंगी कि नागराज से मिले श्राप के कारण मैं बुढ़ी हो रही हूँ। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में जा रही हूँ। पर पुत्री भोजन तो करके जाओ। खून पीने के कारण अब मेरी भोजन करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। माँ आप खाना खा लीजिए, मैंने बगीचे से कुछ ताजे फल खा लिए थे, इस वजह से मेरा पेट भरा हुआ है। इतना कहकर वो अपने कक्ष में चली जाती है। आखिर किस श्राप के कारण नवीना के सुंदर रूप पर अचानक झुर्री आने लगी, ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे लेकर चलते हैं। नवीना नागिन नागलोक की सबसे जवान और रूपवती नागिन थी। उसके जितना सुंदर पूरे नागलोक में कोई नहीं था, जिस कारण उसे अपने रूप और जवानी पर अंधाधुंध घमंड था, जिसके चलते वो नागलोक की बाकी नागिनों को हमेशा नागों के सामने नीचा दिखाया करती। ऐसे ही एक दिन किसी बात को लेकर नवीना और उसकी सखी शेषा में बहस हो जाती है। तभी नवीना बोलती है, माना कि तुम मेरी सखी हो, लेकिन बाकी सभी नाग नागिनों की तरह तुम भी मुझसे ईर्ष्या करती हो, जिसके चलते तुम मुझसे मेरे प्रेमी नक्श को छीनना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है नवीना, और नक्श तो तुमसे प्रेम भी नहीं करता, वो तो मुझे चाहता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो तुम खुद जाकर नक्श से पूछ लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस नागलोक की सबसे खूबसूरत सबसे रूपवती नागिन मैं हूँ, मेरे होते हुए नक्श तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। रूप से प्रेम का कोई लेना देना नहीं है, रूप ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा तो तुम्हारे लिए रूप की कोई अहमियत ही नहीं है, तो ये जो इतना साज सिंगार लगाए तुम घूमती हो ना, आज तुम्हारे इस चेहरे को मैं साज सिंगार करने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर नवीना गुस्से में अपने मुंह से अग्नि निकालकर उसके आधे चेहरे को जला देती है और शीशा वहीं बेहोश हो जाती है। ये बात जब नागराज को पता चलती है तो नाग दरबार में नवीना को बंदी बनाकर लाया जाता है। तभी नागराज बोलते हैं, नवीना तुमने अपने रूपवती होने के घमंड में अपनी ही निर्दोष सखी और हमारी पुत्री पर अपनी नागिन शक्तियों का दुरुपयोग करने का दुस्साहस किया, तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। नहीं पिताजी, कृपया कर नवीना को कोई दंड मत दीजिए, इसने मेरे साथ जो भी किया उसका अफसोस इसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है, मैं अपनी सखी के लिए कोई दंड नहीं चाहती। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री, ठीक है
मैं इसे इसके अपराध के लिए दंड नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस नागलोक का नागराज नागिन नवीना को ये श्राप देता हूँ कि अपनी जिस सुंदरता पर इसे इतना घमंड है, वो सुंदरता समय के साथ ढलती रहेगी। नागिन होकर भी तुम पल पल वृद्धावस्था की ओर बढ़ती रहोगी। नहीं नागराज, आप मेरे किए अपराध के लिए मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन ये श्राप मत दीजिए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। वो रोते हुए नागराज के चरणों में गिर जाती है। उसकी ये दशा देखकर नागराज उस पर दया दिखाते हुए बोलते हैं, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, किंतु एक उपाय बता सकता हूँ। तुम अपनी सुंदरता को मेरे श्राप के कारण खोना नहीं चाहती तो तुम्हें अपने शरीर में खून की पर्याप्त मात्रा बनाए रखनी होगी। नाग दरबार में मौजूद सभी सुन ले, ये मामले की खबर नागलोक में नहीं फैलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी पुत्री के साथ हुए हादसे की जानकारी किसी को हो। इस श्राप के असर की वजह से नवीना के चेहरे पर बुढ़ापा आने लगा था, क्योंकि नाग नागिनों के शरीर में विष बहता है, इसीलिए खून पीने के लिए उसे धरती लोक पर आना पड़ता था। एक दिन वो धरती लोक पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर आती है और बोलती है, ये मैं धरती लोक के कौन से कोने में आ गई हूँ, इतने लोगों के बीच में मैं खून कैसे पीऊंगी। वो अपने आप से बातें कर ही रही होती है कि तभी भीड़ में वो अनुज नाम के एक लड़के से टकरा जाती है और नवीना उसकी बाहों में गिर पड़ती है। अनुज उसके रूप को एक टक देखता रहता है और नवीना बोलती है, मुझे इस प्रकार से स्पर्श मत करो। ओह सॉरी, मैंने बस आपको गिरने से बचाने के लिए पकड़ा। आपको कहीं जाना है तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, वो सामने मेरी बाइक खड़ी है। नहीं, मैं अपने कार्य को पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतना कहकर नवीना जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आती है और अनुज उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। तभी अनुज की हथेली पर चोट लगने से खून बहता है। खून देखते ही नवीना उसके हाथ से खून पीने लगती है। ये मैंने क्या किया, बिना मूर्छित किए ही मैं इसका खून पीने लगी। कैसा लगा, मेरा खून टेस्टी है क्या? वो मैं तो बस। अरे आप हिचकिचाइए मत, मैं तो खुश हूँ कि मेरे साथ फिल्मी सीन हो गया। मतलब हीरो के खून निकलने पर हीरोइन अपना दुपट्टा फाड़ कर बांध देती है, लेकिन आपने तो मेरा खून पीकर बाकी खून बहने से रोक दिया। ये मनुष्य पागल हो गया है क्या, मैंने इसका खून पी लिया फिर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। आप तो ठीक है, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी ना? नहीं, मैं चोटिल नहीं हुई। मैं हुई भी होती तो मेरे शरीर से खून की जगह विष बहता। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। इतना कहकर नवीना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो जब जब धरती लोक आती तो उसे जरूर मिलती, जिससे अनुज उसे प्यार कर बैठता है। समय बीतता है, अनुज के साथ रहने से वो काफी समय तक किसी का खून नहीं पी पाती। और एक दिन अनुज उसे अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। उसकी माँ जानकी उसके लिए चाय बनाने किचन में जाती है। तभी नवीना की खून की प्यास बढ़ने लगती है और वो खुद से बोलती है, ये मुझे क्या हो रहा है, इतनी तलब की अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे खून चाहिए। जिसके बाद वो अनुज से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर किचन में जाती है और उसकी माँ को बेहोश करके अपने नागिन रूप में आकर उसका खून पीने लगती है। ये सब किचन के बाहर खड़ा अनुज देख लेता है और हैरानी के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाता। कुछ देर बाद जब नवीना अपने इंसानी रूप में जानकी के साथ चाय लेकर आती है तो अनुज बोलता है, माँ तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर किचन में जो मैंने देखा वो क्या था? माँ अब ठीक है ना? हाँ बेटा, मुझे क्या होगा, किचन से आने के बाद थोड़ी कमजोरी लग रही है। चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। अपनी आँखों से नवीना का नागिन रूप देखकर अनुज को नींद ही नहीं आती। उधर नागराज को भी नवीना के हर दिन धरती लोक जाने की सूचना मिलती है। अगले दिन अनुज नवीना को शिव मंदिर लेकर जाता है और तभी वहाँ नागराज आकर बोलते हैं, मानव मैं जानता हूँ
कि तुम्हारे मन में नवीना को लेकर बहुत सवाल होंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि ये एक नागिन है जो तुम मनुष्यों के खून की लालसा में यहाँ आई है। हाँ हूँ मैं नागिन, और एक ऐसी नागिन जो जहर नहीं बल्कि लोगों का खून पीती है, वो भी सिर्फ आपके दिए हुए श्राप के कारण। बस कीजिए नागराज, और मुझे अब मृत्युदंड दे दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम नागिन हो? मैंने एक नागिन से प्यार किया। ठीक है नवीना, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूँ, लेकिन तुमने मनुष्यों का खून पिया है, इसीलिए अब तुम नागलोक नहीं आ सकती। इसीलिए अब तुम यही धरती लोक पर इंसान बनकर रहोगी, लेकिन एक बूढ़ी औरत के रूप में। इतना कहते ही नागराज वहाँ से गायब हो जाते हैं और नवीना का एक बूढ़ी औरत के रूप में परिवर्तन हो जाता है, और अब खून पीने वाली नागिन ना नागिन रहती है और ना ही किसी का खून पीती है।